टी20 मैचेस में अगर कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 या 150 रन या इससे भी कम बनाती है तो उस टीम को पहले ही हारा हुआ मान लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस छोटे से फॉर्मेट में अमूमन बल्लेबाज आते ही ताबड़तोड़ शॉट खेलते हैं और 140 या 150 रन के स्कोर तो बड़ी आसानी से पा लेते हैं। खासकर आईपीएल जैसे टी20 लीग की बात की जाए तो यहाँ 170 180 रन से कम स्कोर को वैल्यू ही नहीं दिया जाता। मगर आईपीएल में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब टीम ने 120 130 से भी कम रन स्कोर किए हैं और उसके बावजूद टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में सबसे कम स्कोर बनाने के बावजूद जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। यहाँ हम आपको आईपीएल इतिहास के टॉप 10 लोएस्ट सक्सेसफुल डिफेंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कम स्कोर बनाने के बावजूद जीत दर्ज करने वाली टीम के बारे में बताएं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10, किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल में अगर कोई टीम 130 रन के आसपास बनाती है तो वो पहले ही मान लिया जाता है कि वो टीम हार जाएगी। लेकिन 2014 आईपीएल में 15वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 132 रन बनाए थे। पंजाब को 132 पर समेटने में सुनील नारायण का और पीयूष चावला का अहम हाथ था और इन दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे। इस मैच में कोलकाता की दावेदारी काफी मजबूत थी मगर कोलकाता की पूरी टीम 10 विकेट खोकर सिर्फ 109 रन ही बना पाई और ये मैच आसानी से 23 रनों से पंजाब ने अपने नाम कर लिया। कोलकाता की टीम को 109 रन पर ऑल आउट करने में लगभग सभी गेंदबाजों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच में पंजाब की ओर से गेंदबाजी करने वाले सभी 6 गेंदबाजों ने विकेट लिया था। सबसे ज्यादा विकेट संदीप शर्मा के नाम रहा था जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। वहीं मिचेल जॉनसन और अक्षर पटेल के नाम 2-2 विकेट था तथा बालाजी और ऋषि धवन को 1-1 विकेट मिला था। नंबर 9, डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। कभी आईपीएल का हिस्सा रहे डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद और कोची टस्कर्स की टीम 2011 आईपीएल के एक मुकाबले में आमने सामने थी। इस मैच में डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 129 रन ही बनाए थे। जवाब में कोची टस्कर्स केरला सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई थी। नंबर 8, पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया एक ऐसी टीम थी जो अक्सर लो स्कोरिंग मैच हार जाया करती थी, लेकिन एक मैच ऐसा था जहां पुणे की टीम कम स्कोर बनाने के बावजूद जीत गई। ये मैच 2012 आईपीएल में पुणे वॉरियर्स इंडिया और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में पुणे ने 9 विकेट खोकर 129 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 101 रन ही बना पाई थी और ये मैच 28 रनों से पुणे के नाम रहा था। नंबर 7, सनराइजर्स हैदराबाद। 2013 आईपीएल में एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम आमने सामने थी। इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 126 रन बनाए थे। उम्मीद थी कि ये मैच पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम आसानी से जीत लेगी, लेकिन पुणे की पूरी टीम सिर्फ 104 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और ये मैच बड़ी आसानी से हैदराबाद के नाम हो गया था। नंबर 6, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। 2008 आईपीएल के एक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 126 रन ही बनाए थे। जब चेन्नई सुपर किंग्स की बारी आई तो चेन्नई की टीम भी रन बनाने के लिए जूझती नजर आई और पूरी टीम 8 विकेट खोकर सिर्फ 112 रन ही बना सके। इस तरह बड़ी आसानी से यह मैच आरसीबी ने अपने नाम कर लिया। नंबर 5, मुंबई इंडियंस। 2012 आईपीएल में मुंबई इंडियंस एक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर सिर्फ 120 रन बना पाई थी। मुंबई इंडियंस के सामने पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम थी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन उम्मीद से बिल्कुल उलट ये मैच रोमांचक होता गया और अंत में 1 रनों के मामूली अंतर से मुंबई इंडियंस ने ये मैच जीत लिया था। पुणे की टीम इस मैच में 119 रन ही बना पाई थी जबकि इसके 4 विकेट बाकी रह गए थे। अगले साल यानी 2013 में भी एक मौका आया जब पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम सिर्फ 120 रन का टारगेट नहीं पूरा कर पाई। नंबर 4, सनराइजर्स हैदराबाद। 2013 आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ खेलते हुए एक मैच में 8 विकेट खोकर 119 रन बनाए थे। लक्ष्य बहुत ही आसान था, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया को सिर्फ 108 रनों पर ही समेट दिया। इस तरह से ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 11 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही। नंबर 3, किंग्स 11 पंजाब। 2009 आईपीएल में जहां एक बार किंग्स 11 पंजाब की टीम 116 चेस करने में नाकाम रही थी, वहीं एक मैच ऐसा भी था जिसमें किंग्स 11 पंजाब ने 119 रन बनाए थे। जवाब में इसने मुंबई इंडियंस को 119 का स्कोर पार नहीं करने दिया। मुंबई इंडियंस की टीम 7 विकेट खोकर 116 रन बना पाई थी और ये मैच 3 रनों से किंग्स 11 पंजाब के नाम रहा। नंबर 2, सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा से गेंदबाजों की टीम रही है, यानी इस टीम की गेंदबाजी हमेशा मजबूत रही है। इसका सबूत आईपीएल में समय समय पर देखने को मिलता भी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 118 रन बनाए थे। जवाब में जब मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने आई तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि यह मैच मुंबई शुरुआती 8-10 ओवर में ही उड़ा ले जाएगी, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी के आगे मुंबई के विकेट
ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और मुंबई ये मैच 31 रनों से हार गई। मैच में मुंबई की ओर से सिर्फ दो बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच पाए। यहां सूर्य कुमार यादव ने 34 रन और कृणाल पांड्या ने 24 रन बनाए, लेकिन ये भी मुंबई की टीम को 118 रन के पार नहीं पहुंचा पाए। मैच में हैदराबाद के सभी 6 गेंदबाजों ने विकेट लिए थे। नंबर 1 चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास में कम स्कोर बनाने के बावजूद सफलतापूर्वक स्कोर का बचाव करने वाली टीम में नंबर 1 पर चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आता है। आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स ने 2009 आईपीएल में एक मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर सिर्फ 116 रन ही बनाया। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का हारना तय है, मगर जब किंग्स 11 पंजाब की बल्लेबाजी शुरू हुई तो पंजाब के विकेट चेन्नई से भी ज्यादा तेजी से गिरने शुरू हो गए और टीम 20 ओवर खेलने के बावजूद भी सिर्फ 93 रन ही बना सके। इस दौरान पंजाब के 8 विकेट भी गिरे थे। कमाल की बात तो ये थी कि उस समय पंजाब की टीम में कुमार संकारा, युवराज सिंह, साइमन कैटिच, इरफान पठान जैसे नामी गिरामी खिलाड़ी मौजूद थे। इस तरह 116 का स्कोर बनाने के बावजूद ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने 24 रनों से अपने नाम कर लिया था। दोस्तों, इनमें से आपकी नजर में सबसे रोमांचक मैच कौन सा था तथा आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।